जय श्री राम। हमारे परम प्रिय हिंदू रिचुअल्स परिवार के सभी भाई बहनों को होली उत्सव की बहुत बहुत शुभकामनाएं। इस बार होली का दहन 28 मार्च 2021 को संध्या के समय 6:36 से लेकर के 8:56 के बीच में मनाया जाएगा, मतलब होलिका दहन किया जाएगा। सबसे उत्तम मुहूर्त प्रदोष काल में इस बार प्राप्त हो रहा है। भद्रा उद्रा बिल्कुल नहीं है, नहीं तो लगभग लगभग इस समय जो है भद्रा का वास मिलता था। इस बार जो भद्रा देवी का जो निवास है वो दोपहर के 1:33 तक, मतलब 1:33 PM तक जो है वाराणसी में और पूरे देश में लगभग जो है 2 PM के अंदर जो है जय सियाराम हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। और पूर्णिमा तिथि भी सूर्योदय के पहले से ही हम लोगों को प्राप्त होकर के अगले दिन सूर्योदय के पहले तक है। तो जो लोग पूर्णिमा का व्रत करते हैं, सत्यनारायण कथा सुनते हैं, उन सभी के लिए भी जो है 28 मार्च को ही मनाना उत्तम है। अगले दिन जो है जय सियाराम, 29 मार्च को होलिकोत्सव पूरा देश यानी हमारा पूरा विश्व मनाएगा, जो सभी का जन जन का प्रिय जो है उत्सव है। हर व्यक्ति जो है समान रूप से आनंद लेता है, हो जाता है। अब जो है रही बात, कभी भी जो है भद्रा में होलिका दहन नहीं होना चाहिए, क्योंकि भद्रा देवी का नाम आप जानते हैं, लेकिन वो क्या उनका संबंध है, वो शनि देव जी की बहन है, सूर्य देव की पुत्री है। तो जिसे शनि की दृष्टि में दोष होता है, आजकल लोग मनमाना शनि देव की मूर्ति बना के पूजा करने लगे हैं, शनि के मूर्ति का जो है निषेध है, उस तरह से पूजा होना ही नहीं चाहिए, उनको उसी विग्रह में होना चाहिए। इसका सबसे बड़ा प्रमाण तो आप देखिए, जो सबसे उत्तम मंदिर माना जाता है शनि सिंगनापुर, वहां भी कोई आकृति नहीं है शनि देव की, एक ऐसा एक सिंबॉलिक पत्थर है जहां पर जो है उनका स्वरूप माना जाता है। उसी प्रकार जैसे शनि देव उनकी बहन भी भद्रा देवी, जब वो पृथ्वी पर रहती हैं अथवा कहीं भी रहें तो उस समय कोई विशेष कार्य नहीं किया जाता है, और होलिकोत्सव तो बहुत बड़ा कार्य है, इसलिए जो है भद्रा में कभी भी नहीं मनाया जाता है, चतुर्दशी में नहीं मनाया जाता है। तो और जो है पूर्णिमा तिथि हमें 3 प्रहर लगातार प्रारंभ मिले, तो जैसे इस बार मिल रहा है कि संध्या वेला में भी रहेगी पूर्णिमा तिथि, मध्य रात्रि में भी, प्रातः काल में भी पूर्णिमा तिथि की प्राप्ति हो रही है। तो ये हर दृष्टि से बहुत ही उत्तम पर्व है। और 29 तारीख को जो है पूरा धूल का वंदन हो करके पूरा रंग उत्सव मनाया जाएगा, पूरे विश्व में मनाया जाएगा। जो भी हमारे भाई बहन बाहर रहते हैं, विदेश में रहते हैं, तो अपने भारतीय समय अनुसार शाम को 6:36 PM से लेकर के 8:56 PM के अंदर में ये होलिका दहन करना है। उसी हिसाब से जैसे उनके यहाँ 1 घंटा लेट सूर्योदय होता है, कहीं 5 घंटा लेट सूर्योदय होता है भारत के बाद में, उसी क्रम से अथवा बिफोर होता है तो उसके क्रम से वो अपने यहाँ मार्जिन कर लेंगे। हालांकि आजकल तो हर जगह सुविधा है, आचार्यगण है, पंडित है, पंचांग है, उसके अनुसार आपको ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। फिर भी आप उसके अनुसार भारत से 2 घंटे बाद सूर्योदय हो रहा है तो आप 2 घंटे बाद जो है वहां पर होलिका दहन के उस प्रकार से आप कर सकते हैं। इससे संबंधित जो प्रश्न हो कमेंट्स कीजिएगा, और भी इससे संबंधित जो बहुत कंपलसरी जानकारियां हैं वो भी आगे मैं देने का प्रयत्न करता रहूंगा। फिर मिलूंगा एक नई जानकारी के साथ में। जय सियाराम।